राजस्थान के बारां, छिपाबड़ौद, छबड़ा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बारां के निर्देशानुसार और मार्गदर्शन एवं आदेशों के पालन में स्टार प्रोजेक्ट में समावेशी शिक्षा अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय गैर आवासीय UDL शैक्षिक शिक्षक प्रशिक्षण का गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा के उप प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश गुप्ता, स्काउट सचिव घनश्याम भार्गव, ब्लॉक RP चिंकी गालव, शंकर लाल नागर ने माता सरस्वती का पूजन अर्चन कर कार्यशाला की शुरुआत की गई। शिविर की ओर से आगंतुकों का स्वागत किया गया। दक्ष प्रशिक्षक लक्ष्मण लाल मीना, श्वेता दुबे और नारायण गिरिराज योगी ने प्रथम दिवस से संभागियों का पंजीयन, प्रार्थना, परिचय सत्र के बाद प्रशिक्षण को 4 सत्रों में बांट पूर्व परख, UDL का परिचय एवं अवधारणा, दिव्यांगता की श्रेणियों की पहचान, दिव्यांगता की श्रेणियां, लक्षण, UDL के उद्देश्य एवं आवश्यकता के बारे में लैपटॉप प्रोजेक्टर पर PDF शेयर कर विस्तार से व्याख्या कर जानकारी दी गई। चैनल का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ये डाइट के द्वारा प्रायोजित राजस्थान शिक्षा परिषद जयपुर और उदयपुर प्रशिक्षण संस्थान से 3 दिवसीय गैर आवासीय शिविर है, जो CWSN UDL का इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये एक चरण तो समाप्त हो चुका है और ये द्वितीय चरण है। इसमें लगभग ब्लॉक के विद्यालयों से जिनमें विशेष बालक हैं, उन बालकों के लिए मुदेल आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि ये अपने स्कूलों में विशेष बालकों की पहचान करेंगे और उनको शाला में पंजीकृत करके और सामान्य बालकों के साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्थाएँ करेंगे। इसमें 55 संभागी पंजीकृत थे, इसमें सभी 55 संभागी उपस्थित है। वैसे जानकारियों में तो कहे कि ये पूरे ब्लॉक में विद्यालयों में यहाँ से प्रशिक्षण लेके और फील्ड में जाएंगे और वहाँ विभिन्न श्रेणी के ऐसे बच्चे विशेष जो मानसिक रूप से रोगी हो या शारीरिक रूप से रोगी हो उनकी पहचान करेंगे और पहचान करके उनका नए सत्र में उनका प्रवेश लेंगे। और जो पुराने बालक हैं यहाँ पे जो संपर्क के बाद ले रहे हैं, यहाँ पे जो प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं, तो क्या फील्ड में भी काम करते हैं? इसे वैसे तो फील्ड में अलग RP लगे हुए हैं, 2 RP, उन 2 RP के मार्फत ये उनको सारी चीज़ें बताएंगी हैं कि हमारे कैसा बालक है पहचान करके, फिर उसकी विशेष शिक्षा के लिए ये जो ब्लॉक RP है CWSN के, वो इनके लिए या तो विशेष भत्ता या कोई एड, जैसे कान में बीमारी है तो कान का, पैरों में विकलांगता है तो पैरों के से यंत्र दिलाए मदद करें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।